तो यहाँ पे हो रहा है वेट, और यहाँ पे हम सब लोग रुके हुए हैं, ये देख सकते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, उन लोग पीछे आ रहे हैं तो उनको रुकते हैं थोड़ा यहाँ पे, फिर चलते हैं आगे। मैं दिखाता हूँ, ये ताऊ जी लोग हैं यहाँ पे, और सब लोग आगे अभी पीछे आ रहे हैं, उनका वेट हो रहा है यहाँ पे थोड़ा देर। ये सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर वेट करते हैं, पानी आगे मिलेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ से पीछे देख सकते हो, ऊपर जाना है वो देख सकते हो, टॉप में जाना। अभी ताई जी लोग पहुँच गए हैं, अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं पीछे। तो ये है, वेट करते हैं थोड़ी देर यहाँ पे, फिर चलते हैं। तो हम पहुंचने वाले हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ यहाँ पे, और मैंने बैग इनको दे दिया बूबू को, अब बूबू ले जा रहे हैं मेरा बैग, और मैं बहुत थक गया हूँ यार। ये मत कहना है, शर्म नहीं आ रही, बूबू को दे दिया है बैग। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मेरा जाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, तो अब बूबू ले जा रहे हैं थोड़ा हैं। तो उसमें थोड़ा भोग वोग का सामान है, आटा भी रखा है, और थोड़ा मेरा घर का सामान भी था, तो बहुत ही ज़्यादा ही हो गया था, रास्ता भी ख़राब है। तो बस अब थोड़ी देर में पहुँचने वाले मंदिर, वहीं पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली 4 घंटे की चढ़ाई, 4 साढ़े 4 घंटे के बाद हम शिव जी के दर्शन के बहुत करीब आ चुके हैं, और बस पहुँच ही गए हैं मंदिर में। बस उसके नीचे से ही हूँ मैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये रहा मंदिर, और पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया है, लेकिन बारिश नहीं हुई है तो पानी यहाँ पे है नहीं। ये देखिए, गड्ढे उड्ढे बना रखे पानी के लिए, लेकिन बारिश ही नहीं हुई। ये मैं अपने भरतकोट पहुंच गया हूँ फाइनली। मुश्किल लग रहा था, बहुत मुश्किल हो गया था नीचे से आने में। मैंने बैग भी फेंक दिया, अभी ड्रोन उसी में है, बहुत मुश्किल हो गई थी आना, लेकिन फाइनली भगवान की मर्जी थी और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये है मेरे भोले बाबा का मंदिर, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, लास्ट यही है। ये देख सकते हैं आप, चलते हैं इधर को, पूरा दिखाया जाएगा आपको। मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा। पानी का डिब्बा भी ले जा रहा हूँ मैं, ये रहा पानी, यहाँ है नहीं, नीचे से भर के लाए थे। बारिश नहीं हुई ना, वरना यहाँ पे थोड़ा बहुत हो ही जाता पानी। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे बस का कुछ है नहीं। ये देखिए आप, यही है मंदिर। ये मैं यहाँ पहुँच गया हूँ फाइनली, बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था यहाँ आना। हार मान ली थी, लेकिन फाइनली पहुंच गया। आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। चाची लोग पूजा वूजा कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको अंदर दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बस इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, और चारों तरफ का व्यू ऐसे दिखता है। ड्रोन शॉट मैं आपको दिखाऊंगा भी थोड़ी देर में। और यहाँ नीचे धर्मशाला एक छोटा सा, और धूप तो बहुत तेज आ रही है। चलो अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ, आपको सब दिखाता हूँ फिर। तो यहाँ पे अब मैं आपको भरतकोट का जो ये मंदिर है इसको दिखाता हूँ, अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ इसको। तो ये है, छोटा सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। मंदिर तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, अंदर से एक्सप्लोर करता हूँ ना, अंदर से। तो इसको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये है यहाँ से इस टाइप का ही मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये है भटकोट का मंदिर, ये है पूरा मंदिर। और यहाँ पे ये हम लोगों ने आज पूजा वूजा की थी यहाँ पे। ये और ये है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है। और ये है, और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर और है। ये है एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे। कितना टॉप है ये? 9,000 कितना है? ये 15,000 मीटर दूर की फुट, 9,998 फुट, 15,000 फुट। तो ये भटकोट का मंदिर और चारों तरफ का व्यू ऐसे। वो उधर है पिनाथ का मंदिर, शायद मैं आपको दिखा पा रहा हूँ या नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये है, ये सब है यहाँ पे। और ये हरियाली है चारों तरफ, और क्या ही कहने प्रकृति के, बस सब हरा हरा है इधर। तो ये है, अदर आवाजें भी आ रही होंगी, सब लोग बात कर रहे हैं तो आप उनसे बना तो नहीं कर सकते ना। तो यही है मंदिर, और बहुत ही ऊंचा मंदिर है। एटली अल्मोड़ा की सबसे ऊंची चोटी है ये, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊंची चोटी है। तो ये है मंदिर, और नीचे और ये है यहाँ का धर्मशाला। धर्मशाला यहाँ रहा, और यहाँ पे सब ताईजी लोग बैठे हैं। अरे हम तो बुढ़े लोग हैं यार, इस टाइप का है ये। थकान हो गई है तो बच्चों के साथ हम आज हो गए इधर, बच्चे लागे, बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों का, सबका आभारी। और ये है यहाँ का धर्मशाला। क्या धर्मशाला तो क्या छोटे मोटे है, बस एक बाबा जी रहते हैं, एक योगिता नीचे टूट गया है। बहुत लोग आते हैं वैसे नाइट रहने के लिए इधर। ये है ओवरऑल, पहाड़ ऐसे दिखते हैं यहाँ से। पानी वानी बहुत ही नीचे से गए हैं कुछ लोग लाने के लिए, और कुछ लोग तो अभी तक पहुँचे ही नहीं है। वो पता नहीं कब पहुँचेंगे, जब हम नीचे ही देना पड़ेगा उनको भोग, कुछ लोगों को। लोग ये गुड्डू है हमारे, और ये मेन है प्लानिंग वाले, मेन यही है, मेन गुड्डा है, मेन ये है हमारी हंसी चाची, मेन हंसी चाची है, रोटियां बना रही है अभी। ये चिराग दिल्ली में क्या के लिए उठी थी, दिखा दो उड़जा लूड़ियो, कोई बात ना लो हटलो है हां। तो यहां पे ये लोग पूजा वूजा कर रहे हैं, और ये झंडा देख रहे हो आप मेरे हाथ में, ये रहा। इसको अभी यहां पे लगाएंगे मंदिर के ऊपर से, जो वो वाला है उसको करेंगे चेंज। ये नया वाला जो हम लेके आ रखे हैं, जो ये वाला है, इसको हम लगाएंगे अभी यहां पे। ये छोटा सा मंदिर है, चारों तरफ का व्यू तो पूरे पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पे। ये रहा, सौर ऊर्जा भी लगा गया है यहाँ पे, अभी हाल ही में लगाया है ये रहा, जलता है शाम को। आफ्टर ऑल बहुत ही मस्त प्लेस है, एक टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है आने के लिए। पानी वानी लेने गए हैं कुछ लोग, अभी पता नहीं कब तक आएंगे। जैसे ही वो आते हैं भोग, 2 बज गए, 4 बजे हम निकलेंगे एटलीस्ट। लेकिन नीचे को जाते समय ज़्यादा कुछ है नहीं तो हम चले जाएंगे सीधे, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हम चले जाएंगे। बस बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। पहले भी मैं आ गया था यहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास कैमरा वगैरह नहीं था, तो मैं कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर सका। और एक ही परियों का मंदिर है। परियों का मंदिर है यहाँ पे, स्पेशल मंदिर, एडी का मंदिर है, बता रही हूँ। बहुत ही मौसम तो क्या ही कहना है, इधर जाने का मन नहीं करता है, लेकिन घर भी जाना पड़ेगा। 4 बजे निकलेंगे तो 6 बजे तक तो पहुँच जाएंगे, 7 बजे 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। यही आज का ब्लॉग।